जी नमस्कार, मैं अरुण कुमार, आपका स्वागत है प्रदेश समाचार नेटवर्क में। जैसा कि अभी बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, सभी प्रतिनिधि प्रत्याशी अपना कमर कस के मैदान में उतर चुके हैं, विभिन्न तरह के योजना और रणनीति बना रहे हैं कि विजय कैसे हासिल की जाए। तो इसी बीच हम पहुँचे हैं बेहद उत्तरी पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी के पास, जो इस बार मुखिया के रूप में प्रतिनिधि के रूप में देखने के लिए मिलेगा पंचायत को और चुनने के लिए भी मिलेगा। तो उसी प्रतिनिधि हम पहुँचे हैं, तो उसी से कुछ बातचीत करते हैं जो आने वाले 5 साल में जीतने के बाद क्या सब काम करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, पहले आप अपना शुभ नाम बोलिए। मेरा नाम राम सागर साफी हुआ, मेरे पिताजी का नाम श्री प्रहलाद साफी है। जी सर, सर आप अपने नाम से जाने जाते हैं या काम से? मैं अपने पंचायत में अपने काम से जाना जाता हूं और नाम का भी एक अलग प्रभाव है, नाम भी है। जी सर, सर जीतने के बाद सर आपकी कौन ऐसा योजना या कौन ऐसा कदम या कौन ऐसा काम रहेगा जो सर जनता आपके 5 साल विश्वास करेगी और जनता आपको 5 साल तक हमेशा साथ दे सर? सबसे पहले पंचायत में जितने भी सारे सड़क हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको चलने लायक बनाने के लिए प्रयास किया जाएगा, और नाले भी हैं जो नाली से पानी जो है सड़क पर जमी हुई है उनको भी है जो सुरक्षित स्थान पे जा सके, नाली का पानी, इसके लिए नालियों का जो अधूरा काम पड़ा हुआ है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको प्राथमिकता के। सर मेरा अगला सवाल सर, जैसे कि अभी बेरोजगारी और शिक्षा के रूप में सर हर एक स्टेट और हर एक पंचायत अभी पीछे चल रहे हैं, तो सर उस पर आपका विलंब विचार सर क्या रहेगा? क्योंकि बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार की जितने भी योजनाएं पंचायत में चलेगी उनमें मेरा ये पहल होगा और ये प्राथमिकता भी रहेगी, पंचायत के जितने भी मजदूर हैं उनमें आपके काम करें और काम के करने के बाद जो है रोजगार के। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचायत के अंतर्गत नहीं है, इन सब की तो कमी है सर। जैसे कि अभी सर कोरोना टीकाकरण के लिए भी सर जैसे दूसरे पंचायत में जाने पड़ते हैं पब्लिक को, तो उस पे सर आपका क्या विचार है? ऐसा स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बहुत ऐसा केंद्र नहीं है जैसे बहुत जनता की दिक्कत हो रही है सर, उसमें आपका क्या योगदान रहेगा और चुनाव जीतने के बाद उसमें क्या योगदान और क्या आप कदम उठाएंगे उस पे सर? देखिए सबसे पहली बात है कोरोना टीका के लिए वैक्सीन के लिए जो पंचायत के अंतर्गत लोगों को जाना पड़ता है, तो सबसे पहले कमी तो यहाँ की जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में उनकी कमी आती है कि वो इस तरह से पहल नहीं करते हैं कि सब पंचायत में पंचायत सरकार पंचायत भवन है वहाँ पे लगवाया जाए या सरकारी विद्यालय है वहाँ पे लगवाया जाए। हम लोग ने प्रयास भी किया तो एक दो बार कैंप भी जो है सो लगा, लोगों को सहूलियत भी ले जाने और जाने के लिए। तो सबसे पहले है कि इन सब बातों पर ध्यान देना होगा। आज राशन कार्ड हैं और लोग राशन की दुकान के लिए गांव से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं, दूसरे पंचायत में जा करके अनाज लाते हैं, तो इन सब बातों पर भी ध्यान देना अति आवश्यक हो करना आवश्यक है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि जो भी सरकारी सुविधाएं हैं वो पंचायत के अंदर पंचायत को लोगों को आसानी से मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। सर जैसे कि आप बोले जो पंचायत में से बहुत कमी दिख रही है, जैसे कि मुझे इस पंचायत से रिपोर्ट मिली थी जैसे कि डीलर भी घोटाला करते हैं, बहुत ऐसे घोटाला भी होते हैं, और अभी वर्तमान में जो मुखिया जी है सर उस पर आपका क्या राय है सर? वो 5 साल में क्या विकास किया नहीं किया सर, उसके कोई आपका जानकारी सर? देखिए विकास की तो काम हुई, लेकिन जिस ढंग से विकास का काम होना चाहिए एक रोड मैप बना करके एक मानक रूप बना करके, ताकि नालियों की जो विकास हुआ है तो एक समुदाय को पूरी नाली से की समस्या से निजात पाए, तो इस तरह से ऐसा ढंग नहीं किया गया। उनकी अपने काम में बहुत सारा मनमानी रही है जिसके कारण वह जो है सो सभी जगह विफल होते रहे हैं, और हम लोग का सुझाव भी हमेशा रहा है कि आपको मास्क का वितरण प्रत्येक घर में किया गया। सर आप सर युवा रोजगार और बेरोजगार और शिक्षा के प्रति भी इस तरह का क्या सोच है सर, और क्या इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं भी एक युवा हूँ और मेरा एक युवा से आह्वान रहेगा कि वो किसी भी क्षेत्र में अगर आना चाहते हैं तो अपनी मेहनत अपनी कामयाबी को सबसे पहले उनको जो है सो आगे लाना होगा। शिक्षा की बात है तो सबसे कमी यहाँ पे आती है कि सरकारी विद्यालय जितने भी हैं पंचायत के अंदर उनमें बच्चों की संख्या अधिक है और उसके हिसाब से संसाधन की कमी है, जैसे
शौचालय की कमी है, पानी पीने के लिए जो है चापाकल की कमी है, उतने भवन नहीं है जहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से बैठ सके, पढ़ सके, खेल के मैदान नहीं है जो बच्चे अपने मानसिक विकास का वृद्धि करने के लिए खेल कूद कर सके, चार दीवारी की कमी है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि आने वाले प्रथम साल में ही इन समस्याओं को निजात पाने के लिए प्रयास किया जाए और उसके लिए मैं हमेशा तत्पर भी रहूँगा। सर, इससे पहले आप क्या करते थे और अभी आपका फैमिली ग्राउंड क्या है? सर देखिए, इससे राजनीतिक पढ़ाई में आने से पहले मेरा एक प्राइवेट स्कूल था जिसमें मैं पढ़ाया करता था, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करता था, ये मेरा काम था। उसके अलावा मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा ही रहा है, मेरे पिताजी भी समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज में कोई भी काम होते हैं तो उनमें उनकी भागीदारी होती है। मेरे दादाजी जिनका नाम स्वर्गीय मनहू साफी हैं, वो भी समाज से प्रति जो हैं सब हमेशा जुड़े रहते हैं, समाज में कहीं भी उनकी फंडी थी ज्यादातर करके अपनी भागीदारी को निभाते थे। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।